यूट्यूब चैनल। आज ये जानेंगे कि किचन की डिज़ाइन, डबल बेड की डिज़ाइन, वार्डरोब की डिज़ाइन, ड्रेसिंग की डिज़ाइन, जैसे अपने को पेंट्री बनाना हो तो किस प्रकार से सेटअप रहता है, और अपने को वार्डरोब बनाना रहता है तो किस प्रकार से सेटअप रहता है। जैसा कि आप सामने देख रहे हो, यहाँ पे जैसे पूरा वार्डरोब बना हुआ था, जैसे अपने को वार्डरोब के अंदर यदि अपने को ट्रे जैसा चाहिए तो इस प्रकार से अपने जो किचन में जो बास्केटें लगती है उसी तरीके किसी तरीके की अपने बास्केटें लगवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे पूरा टेलीस्कोप चैनल के साथ में चलाया गया है, और ये जैसे अपने को एक साइड में यदि लेफ्ट और राइट में अपने को वॉलड्रॉप में यूज़ करना हो तो आप इस प्रकार से यूज कर सकते हो। जैसे अपने इस प्रकार से यदि अपने सेल्फ का यूज़ करते हैं तो अपने को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, और यदि अपने इस तरीके की ट्रे लगवा देंगे तो कोई इश्यू नहीं आएगा, अपने सामने की साइड में स्लाइड करके आराम से यूज़ कर सकते हैं। और नीचे की साइड में जैसे अपने को यदि किचन बनाना हो एल शेप में छोटा सा, तो आप इस प्रकार से कॉम्बिनेशन में बना सकते हो। जैसे यहाँ पे जो हैंडल का यूज़ किया है, ये प्रोफाइल हैंडल का यूज़ किया गया है, जैसे नीचे की साइड में देख रहे हो यहाँ पे, और ऊपर की साइड में भी यहाँ पे प्रोफाइल का यूज़ किया गया है। प्रोफाइल के दो शटर का यूज़ किया गया, बाकी सॉलिड वुड में किया गया है, और ब्लैक ग्रेनाइट के साथ में फिनिश किया गया है। और जैसे अपने को वॉलड्रोप बनाना हो तो इस प्रकार से यदि अपने को हैंडल नहीं चाहिए तो आप इस प्रकार से अपने टिक वुड का बना के आप यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं रहता है। और जैसे अपना किचन का ये जो डिज़ाइन है, इसमें वाइट एंड डार्क लेमिनेट का कॉम्बिनेशन किया गया है, जैसे अपने को इस प्रकार से अपने कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हो। जैसे किचन एल शेप में पहले दिखाया था वो थोड़ा लाइट में था, और ये थोड़ा सा उसे डल में दिया गया है इस तरीके से। और ये डबल बेड की डिज़ाइन है, 6x5 का डबल बेड है, और पीछे का जो हेडबोर्ड है पूरा गादी वर्क के साथ में फिनिश किया गया है। ये जो डबल बेड है पूरा फोल्डेबल डबल बेड है, जैसे अपने को कहीं दूसरी जगह यूज़ करना हो तो आप रूम से बाहर ले जा सकते हो। और ये वार्डरोब का डिज़ाइन है, डार्क एंड वाइट कलर कॉम्बिनेशन में है, और ऐसे में जो लेंथ है 7 फीट की है, और पूरा ऊपर की साइड में जो लॉफ्ट है यहाँ पे देख रहे हो, ये लॉफ्ट पूरा अलग दिया गया है, पूरा डार्क में दिया गया है। जैसे अपने को यहाँ पे वाइट में यूज़ करना हो तो वाइट के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो, वाइट में काफ़ी हल्का लगता है लॉफ्ट इस प्रकार से। जैसे यहाँ देख रहे हो, ये जो किचन में स्टोरेज था, किचन में पूरा वाइट का यूज़ किया गया है। जैसे अपने को किचन का लॉफ्ट बनाना हो तो आप इस प्रकार से बना सकते हो, जैसे अपने किचन में काफ़ी सामान रहता है। यहाँ देख रहे हो सामने, यहाँ पे चिमनी के लिए भी ऊपर कवर किया गया है, और पूरा ऊपर के साथ में लॉफ्ट में भी कवर हो गया है। और ये जैसे अपने को वार्डरोब में ट्रे का यूज़ करना हो तो ट्रे यूज़ कर सकते हो। जैसे अपने लॉफ्ट वाले किचन को इस तरीके से नीचे से देखेंगे तो इस प्रकार से प्रोफाइल वाला हैंडल वाला बनाया गया है, और ऊपर की साइड में वाइट मैंगो वाइट लेमिनेट में यूज़ किया गया है। और ये जो वार्डरोब का डिज़ाइन है, अंदर की साइड में देखेंगे तो इस प्रकार से एक लॉकर है, एक छोटा डोर है, और ऊपर की साइड में हैंगर है, और डबल डोर वाला वार्डरोब दिया गया है। और ये जो है पूरा डार्क शेड में किया गया है। और ये जो डिज़ाइन है ये पूरा ड्रेसिंग के साथ में मिरर के साथ में यूज़ किया गया है, और साथ में एक छोटा सा स्टोरेज भी है राइट साइड में, और नीचे की साइड में यहाँ पे दो दराज मिल जाती है। और ये जो डाइनिंग टेबल का सेटअप बनाया है, जैसे अपने को इस तरीके की यदि चेयर बनाना रहता है तो अपने को जो वुड का यूज़ करना है उसका अपने को पहले से फर्मा बनाना रहता है, और फिर बाद में अपने को जो कटिंग करना रहता है वुड का, वो क्रॉस में ऐसे कटिंग करके फिर बनाया जाता है। जैसे ये पूरा टिक वुड में बनाया गया है इस प्रकार से, और इसकी जो हाइट रहती है 18 इंच ही रहती है। और ये जो किचन है उसका लॉफ्ट है कुछ इस तरीके का दिया गया है, जैसे अपने एक बीच में डार्क ले लिया है और साइडों में यहाँ पे लाइट ले लिया गया है इस तरह का। ये सूजरे का डिज़ाइन है, और ये जो बाहर से डार्क में दिया गया और अंदर से पूरा वाइट लेमिनेट में यूज़ किया गया है। और ये ड्रेसिंग का डिज़ाइन है, छोटा सा सिंपल सा ड्रेसिंग है, और नीचे की साइड में यहाँ पे दो दराज है, और साइड में लेफ्ट में यहाँ पे एक मिरर मिल जाता है, और यहाँ पे राइट साइड में थोड़ा सा स्टोरेज मिल जाता है, जैसे अपने को कंघी वंघी यूज़ करना हो तो कर सकते हो। जैसे अपने को यदि किचन में यदि जगह ज़्यादा मिल जाती है, अपने जैसे पैसेज जैसा रहता है आने जाने का, तो आप इस तरीके का काउंटर का यूज़ कर सकते हो। जैसे उधर से भी ये यूज़ हो सकता है, जैसे अपना डाइनिंग एरिया हुआ, हॉल हुआ, उधर से भी आप यूज़ कर सकते हो। यदि अपने को किचन का करना है तो किचन का भी कर सकते हो। ये डार्क एंड लाइट कॉम्बिनेशन में किया गया प्रोफाइल के साथ में। और यहाँ पे देख रहे हो ये डबल बेड है, 6x5.5 का है, फुल साइज में है, और पीछे की साइड में यहाँ पे गादी वगैरह किया गया, और अंदर की साइड में अपने को फुल स्टोरेज मिल जाता है। ये जो डबल बेड रहता है इसमें स्टोरेज ज़्यादा मिलता है, जैसे अपने हाइड्रोलिक बनाते हैं उससे भी ज़्यादा मिल जाता है। और ये जो डबल बेड है इसका पूरा 6x6 का है, और यदि अपने को इसमें सिंगल का यूज़ करना हो तो सिंगल के हिसाब से रखा गया है, और यदि अपने को डबल करना हो तो डबल के हिसाब से भी
कर सकते हो। ये जो डिज़ाइन है ये भी डबल बेड का डिज़ाइन है, ये 6x5 का है, छोटा डबल बेड है उससे, और ये भी साइज है पूरी 6x5 का है और हाइट है पूरी 18 इंच का है। और जैसे अपने को पूरे वॉर्डरोब में यदि अपने को सारी ट्रे लेनी है तो आप इस प्रकार से ले सकते हो। ये यूज़ करने में काफ़ी इजी पड़ जाता है, अपने कोई भी सामान पड़ा हो तो अपने खींच के बाहर से यूज़ कर सकते हैं। ऐसे में अपने को अंदर की साइड में पूरा सामान पीछे चला जाता है, वो नज़र नहीं आता है। जैसे अपने आगे से खींच लेंगे पूरा तो अपने आराम से देख के कोई भी आइटम निकाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं रहता है। जैसे अपने को किचन में यदि चिमनी लगाना हो तो चिमनी भी इस प्रकार से अपने लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे जैसे सामने देख रहे हो पूरा जगह छोड़ दिया गया और ऊपर का जो एरिया है वहाँ पे भी कवर कर दिया गया, और इसकी जो लाइन जा रही है अपना लोफ्ट के अंदर से जा रही है और पीछे की साइड में यहाँ पे पूरा निकल जाता है पीछे की साइड में। और जो यदि अपने को सर्विस करना है तो कोई इशू नहीं आता है, अपना जो लोफ्ट वाला एरिया है उसमें से आराम से अपने सर्विस कर सकते हो इस प्रकार से कोई। और जैसे यहाँ पे वॉर्डरोब था, ये वॉर्डरोब में यदि अपने को ओपनेबल बनवाना हो तो ओपनेबल भी इस प्रकार से बना सकते हो, और यदि अपने को स्लाइडिंग बनाना रहता है तो आप स्लाइडिंग में भी इस तरीके की ट्रे यूज कर सकते हो। ये इनमें जो खासियत एक रहती है, जैसे ये लग जाने के बाद में अपने को यहाँ पे जो चैनलें रहती है चैनलिंग वाली जगह पे अपने को पैक करना रहता है छोटा छोटा, तो ये इसलिए करना रहता है जैसे अपने बाहर से ट्रे खींचेंगे तो कोई इश्यू नहीं आएगा और दरवाज़ा टकराने का बिल्कुल चांस नहीं रहता है। और ये हाइड्रोलिक बेड का डिज़ाइन है, इसमें भी काफ़ी अपने को स्टोरेज मिल जाता है। ये छोटा डबल बेड है जिसे 6x5 का है और पूरा वुड में किया गया है, और अंदर की साइड में यहाँ पे पूरा वायर दिया गया है और एक सपोर्ट मिल जाता है इस तरीके से। यदि अपने को ये पूरा जो ऊपर का जो टॉप है वो पूरा गुनी से है और यहाँ पे 4 फुट की पूरी फ्रेम दी गई है इस तरीके से, और यहाँ पे बंद होने के बाद में कुछ इस तरीके से दिखाई देता है और खुल जाने के बाद में अपने को इस तरीके से देख सकते हैं जैसे यहाँ पे सामने देख रहे हो। और यहाँ पे जो हाइट है वो 3 फुट का रखा गया है पीछे का हेडबोर्ड का, और यहाँ पे नीचे की साइड में अलग से पाए नहीं दिए गए, ये बॉक्स उसको बॉक्स टाइप डबल बेड बनाया गया है और पूरा हाइड्रोलिक में ऑपरेट होता है इस तरीके से। सो थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें, तो आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। सो थैंक यू।